महाभारत कथा शांति दूत श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर साथ अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, हाँ उनसे युद्ध अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षात्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया।